40 साल से भारत आकर हिंदू तीर्थ स्थलों की यात्रा करने और साधु का जीवन जी रहे एक ग्रामीण महिला कोरोना के चलते पानीपत में फंस गई। 20 दिन तक एक छोटे से मंदिर में फर्श पर सोने वाली इस विदेशी संत महिला को पानीपत प्रशासन ने दिल्ली की जर्मन एम्बेसी में भिजवाया है। देखिए एक विदेशी महिला का भारत से प्रेम करते कैसे कैसे संत बन जाने का सफर। दुनिया में कोरोना ने अपना अलग अलग तरीके से असर दिखाया है। हमारे साथ पानीपत में एक जर्मन लेडी है, इंदुपुरी माता जी, जो इनको यहाँ के गुरुओं ने, संतों ने इनको ये नाम दिया है। हालांकि मूल रूप से जर्मनी की रहने वाली है और हिंदुस्तान की संस्कृति से, अध्यात्म से प्रभावित है। कोरोना की वजह से ये पानीपत में फंस गई थी। पिछले 20 दिन में कुटिया में रहती। आप कहाँ पर रह रहे थे, किस कुटिया में रह रहे थे पानीपत में? हम पहले इन अंसल एक महादेव मंदिर रहती ना, बट उधर से फैसिलिटी नहीं आई। हाउ लॉन्ग यू स्टेड इन अंसल एंड पीपल लिविंग ओवर देयर दे हेल्प्ड यू? इट इज वेरी नाइस, बट इन अंसल देयर इज ओनली वन महादेव मंदिर, देयर इज नो फैसिलिटी। आई हैड टू स्लीप ऑन द फ्लोर एंड देयर इज नो प्लेस टू टेक बाथ और एनी फैसिलिटी। So I contact the police and I told them I want to go to Delhi to contact my embassy. So they said you have to get a permission first because now it's a coronavirus, so anybody cannot travel anywhere right now. So they brought me here to wait for some time to get my permission to travel to Delhi, which is today. Which religious cities, which religious places have you visited? I have been to many places, including Dwaraka or Rameshwaram or Badrinath in Himalaya. I did the Chardam Yatra. Many years I came. So this time I was only in Gujarat. I came from Gujarat now to Panipat via Lucknow, where I had misfortunately lost my purse. Lastly, tell. Why you again and again come to India and love this country? Why? Well, I adopted the religion of Hinduism many years before, and I try to follow as good as I can. I'm vegetarian since maybe 40 years. I'm not taking any non-veg food or any alcohol or drugs or anything. I try to live a sadhu life and do what is my Guruji's. My Guru has given me sanskar in Haridwar Kumbh Mela 2010, and since then I consider to be a sadhu. ये जर्मन लेडी हैं, इंदुपुरी माता जी, ये नाम इनको यहाँ के संतों गुरुओं ने दिया क्योंकि इनको लगता है हिंदुओं की जो अध्यात्मवाद है इस देश का, जो पूजा पद्धति है उसको पसंद करती है और यही वजह है कि बार बार ये हिंदुस्तान आती है। 1980 से आ रही है। इनका ये कहना है कि अब मैं जर्मन एम्बेसी दिल्ली में जा रही हूँ, मेरी कॉन्टैक्ट हो गया और उनकी सहायता से आई वुड रीच इन माई कंट्री नाउ, बट शी लव्स इंडिया ऑल द टाइम। सहयोगी दीपक के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।